हेलो एवरीवन, नितिका चिनन हूँ मैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं बहुत ही कम समय में 5 मिनट के अंदर ही बनाकर तैयार कर लूँगी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ एक बाउल लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 कप एकदम चिल्ड व्हिप क्रीम। क्रीम यहाँ पर हमने एकदम ठंडी ली है, आप यहाँ पर अमूल की हैवी क्रीम भी ले सकते हैं। क्रीम एकदम चिल्ड होनी चाहिए। अब एक इसे बेटर से अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे, जब तक कि हमारी क्रीम थोड़ी सी हैवी और गाढ़ी ना हो जाए। ये डबल साइज की हो जाएगी तो अच्छी तरह से इसे हम बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से थिक हो गई है, इसी कंसिस्टेंसी की चाहिए हमें। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए पाइनएप्पल एसेंस ले रहे हैं 1/2 टीस्पून। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी डाल दीजिए, कोई भी एसेंस आप इसमें डाल सकते हैं। एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास ये ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे मिक्सर में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से थिक हो गई है, क्रीम एकदम चिल्ड है हमारी। तो इसे और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं किशमिश और काजू। तो काजू और किशमिश वाली जो आइसक्रीम मिलती है वही है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें किशमिश डाल दी है और 2 टेबल स्पून इसमें हमने काजू भी ऐड कर लिए हैं। आप अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। क्रीम हमारी एकदम चिल्ड है तो अब आप इसे खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कंटेनर में भर कर रखेंगे। 5 मिनट के अंदर ही इजीली ये आइसक्रीम बन गई है, लेकिन इसे हम थोड़ी सा और अच्छा टेस्ट लाने के लिए, बिल्कुल मार्केट जैसा बनाने के लिए इसे कंटेनर में भर के 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, डीप फ्रीजर में, जिससे कि बिल्कुल जैसे कि मार्केट में मिलती है काजू किशमिश वाली आइसक्रीम बिल्कुल उसी तरह की बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप इसे इंस्टेंट भी खा सकते हैं और इस तरह से जमा कर भी। तो ये देखिए हमने इसे फिल कर लिया है, क्लीनिंग रैप से इसे रैप कर देंगे जिससे इसमें क्रिस्टलाइज ना हो। तो अच्छी तरह से इसे हम रैप कर देंगे। बिना गैस जलाए बहुत ही इंस्टेंट हम आइसक्रीम बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम लिया है, आप अमूल की हैवी क्रीम भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास अमूल की क्रीम ना हो तो आप दूध की मलाई से भी इसे बना सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से बंद कर लेंगे एयरटाइट ढक्कन से, एयरटाइट कंटेनर में ही भर कर रखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से आप एक बार बना लीजिए और फिर जब चाहें तब आप आइसक्रीम का मज़ा ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे हम बंद कर देंगे और 2 घंटे के लिए ही इसे हम छोड़ देंगे फ्रिज में, और ये बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। 2 से 3 घंटे ही हमने फ्रिज में रखा है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसे जम गई है। ओवरनाइट भी आप इसे रख सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा टेक्सचर आया है। मैंने इसमें कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो थोड़ा सा येलो कलर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी, बनाने में बहुत ही आसान, बिना गैस जलाए, बिना झंझट के। तो देखिए बहुत ही बड़े बड़े चंक्स डाले थे मैंने इसमें काजू और किशमिश के, वो इसमें दिख रहे हैं, और आप आइसक्रीम का टेक्सचर देख सकते हैं। तो बिल्कुल लाजवाब आइसक्रीम बन गई है हमारी। इस कूपर को थोड़ा सा पानी में, गर्म पानी में डिप कर लीजिए और इस तरह से इसको निकाल लीजिए, या फिर थोड़ी देर के लिए कंटेनर को बाहर रख दीजिएगा तो ये नॉर्मल हो जाएगी। और इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो आइसक्रीम देख सकते हैं आप बहुत ही लाजवाब तैयार है। थोड़ा सा और डेकोरेशन करने के लिए मैं इसमें काजू और किशमिश डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगी। काजू किशमिश डाल दिया है हमने इसमें, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार है आइसक्रीम। अब हम इसमें वफ़ल लगा लेते हैं और लाजवाब टेस्टी, बिना गैस जलाए इंस्टेंट आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसे तैयार है। तो इस लॉकडाउन में आप इसे ज़रूर बनाकर तैयार कर लीजिए। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी काजू किशमिश से बनी हुई आइसक्रीम, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें।